बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर अलग अलग स्थानों पर हुई दुर्घटना में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी घटना में एक्सप्रेसवे पर ही दो ट्रकों की भिड़ंत में ट्रकों में लगी आग में ही चालक की जलकर मरने की आशंका जताई जा रही है, जबकि दो घायलों को गाजियाबाद के वर्धमान हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया गया है। एक्सप्रेसवे पर क्रेन की सहायता से राहत बचाव कार्य जारी है। मौके पर पुलिस बल भी तैनात की गई है। दुर्घटना हुई, क्या मामला है? एक गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रही थी, एक सीधे साइड से आ रही थी, आपस में गाड़ी टकरा गई, एक में आगे लगती अंदर लग जाए कि आदमी इसके अंदर जल के मर गया। आपका नाम? मेरा नाम चंद्र। अच्छा, ये क्या हुआ है? ये हादसा ऐसा हुआ कि ये तो गाजियाबाद जा रही थी और ये हरियाणा जा रही थी, तो ये गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रही थी। अच्छा। और ये जा रही थी स्पीड पर गाड़ी थी। अच्छा। वो कंट्रोल नहीं हो पाई और आपस में गिर गया, एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, आग लगी इनमें? आग लगी थी। अच्छा, इनमें कोई घायल भी है? घायल है जी, ये तो राजस्थान नंबर गाड़ी है, इसमें दो घायल हैं, वो सही हैं, और एक जो हरियाणा नंबर गाड़ी है उसकी एक डेड बॉडी तो पड़ी है इसमें जल्दी, वो पता नहीं कितने लोग थे। अच्छा, एक डेड बॉडी है इसके नीचे जली हुई है यहाँ पर। अच्छा। और ये डेली हादसे हो रहे हैं ऐसे, एक ऐसे एक्सीडेंट पीछे होगा वो भी रात ही हुआ। बापू से सीधे संवाददाता जावेद खान के साथ प्रदीप यादव की रिपोर्ट।